वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को, गर्दिश में घेर लेते हैं गीदड़ भी शेर को। ये वाक्य आपने जरूर सुने होंगे, पर आज ये शेर दहाड़ रहा है। जी हाँ, हिंदुत्व की लो बड़क उठी है और ऐसी भड़की है कि देश में बैठे पाक परस्तों की हालत तो पस्त है ही, पाकिस्तान के भी पसीने छूटने लगे हैं। इस्लामिक देशों का मसीहा बनने वाला पाकिस्तान, अब उसकी हालत पतली हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज, मैं हूं आपके साथ तमनीश शर्मा। बारूद की बोरी पर बैठे पाकिस्तान को अब डर है कि हिंदुत्व की चिंगारी और फैल गई तो शायद पाकिस्तान उसमें स्वा ना हो जाए। दरअसल पाकिस्तान के विदेश मंत्री कुरैशी को अब हिंदुत्व विचारधारा से डर सताने लगा है, वो भी उस वक्त जब हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हिंदू धर्म और हिंदुत्व को अलग अलग बताते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। राहुल गांधी हिंदू धर्म को समावेशी बताते हैं और हिंदुत्व को बीजेपी की नफरत भरी विचारधारा का हिस्सा बताते हैं। अब इधर राहुल गांधी ने यह बयान दिया और उधर पाकिस्तान के मंत्री अपना ज्ञान लेकर बैठ गए। कुरैशी ने हिंदुत्व विचारधारा की आलोचना की। कुरैशी का कहना है कि इस क्षेत्र में वैश्विक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा भारत सरकार की हिंदुत्व विचारधारा से उत्पन्न हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान एक सक्रिय विदेश नीति का पालन कर रहा है जो राष्ट्रीय आकांक्षाओं और वैश्विक गीतशीलता के प्रति संवेदनशील है। कुरैशी शायद ये भूल गए कि उनका मुल्क पूरे विश्व के लिए इस वक्त खतरा बना बैठा है, ब्लैक लिस्टेड होने वाला है, कई देशों ने फंडिंग रोक दी है और जनाब हिंदुत्व पर सवाल उठा रहे हैं। तो क्या कुरैशी और पाकिस्तान को अब हिंदुत्व विचारधारा से ही डर सताने लगा? क्या कुरैशी को इस बात का डर सता रहा है कि बीजेपी की हिंदुत्व वाली नीति उसके आगे इनकी दाल गल नहीं पाएगी? और जिस कश्मीर में उन्होंने सालों से नफरत के बीज बोए थे वो अब उखड़ने वाले हैं। सिर्फ हिंदुत्व ही नहीं, कुरैशी ने विदेश नीतियों पर भी बात कही और अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते रहे। बता दें कि कुरैशी ने यह भाषण राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में दिया। इस दौरान विदेशी छात्र के साथ साथ कई मिलिट्री ऑफिसर्स भी उन्हें सुन रहे थे। विदेश नीति तक तो ठीक था, पर हिंदुत्व पर सवाल उठाकर उन्होंने ये तो जता दिया कि हिंदुत्व विचारधारा से उन्हें डर सताने लगा है और ये डर जायज है। जिस देश में हिंदू 1947 में इतने ज्यादा थे, आज उस देश में हिंदू 1% कैसे बच गए? और ऐसे हिंदुओं का डर जायज है? बिल्कुल, इस तरह के हिंदुत्व का डर जो है जायज है। ऐसा हिंदुओं का डर जो है फैलना चाहिए और इस तरह के मंत्रियों को डर लगना चाहिए जो कि मानते हैं कि हिंदुओं को काटना चाहिए, और इस तरह के मंत्री काटते हैं हिंदुओं को वहां पर। आपको क्या लगता है इस खबर पर, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए वीके न्यूज। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल, वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।